ये कहानी है दो बच्चों की जो एक ही गांव में रहते थे। उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और बिरू जैसे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते और साथ साथ नहाते भी थे। एक दिन वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो कुएं में गिर गया और गिरने के बाद जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। अब जो दूसरा बच्चा था छोटा सा 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा जिसको कि वो बुला सके मदद के लिए। फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिसपे एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको। उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा। खींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने। छोटे से बच्चे ने 6 साल के और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था। खींचता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक कि उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया, जब तक वो बाहर नहीं आया। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ये दोनों बच्चे जब दोनों एक हो गए, जब बाहर आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे और खुश हो रहे, लेकिन एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था। डर था कि अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुएं में गिर गए और ये सब चीजें हुई। लेकिन मजे की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जब गांव गए और जाकर के अपने घर वालों को बताया, बाकी गांव वालों को बताया, तो किसी ने भी विश्वास नहीं किया, पूरे गांव वालों ने। और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके। तो इतने बड़े बच्चे को इतने ऊपर खींचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव के सबसे बुजुर्ग में से एक। और सबको लगा कि यार ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिस वजह से ये ऐसा कह रहे हैं। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उनके पास गए और जाकर के बोले कि देखो जी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनको हंसी आ गई। वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बताऊं, वो बच्चा बोल तो रहा है कि उसने ये कैसे किया। बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया। तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। तो सारे गांव वाले उनकी शक्ल देख रहे थे। फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। वो बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। बोले कोई नहीं था, कोई नहीं, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं।